रेनबो 7 चैनल की ओर से मदन गोपाल का सतरंगी नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप ऑर्थोग्राफिक पोलर जेनिथल प्रोजेक्शन है वो आलेखी विधि यानी ग्राफिकल मेथड के द्वारा हम सीखेंगे। इसमें दो तथ्य देखिएगा। पहला दे रखा है समतल कागज पर, जो समतल कागज है वो ध्रुव पर यानी पोल पर रखा जाता है। दूसरा है जो प्रकाश यानी लाइट स्रोत है वो अनंत दूरी पर यानी इन्फिनिटी डिस्टेंस पर होने के कारण ग्लोब पर जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या प्राप्त होगी, वर्टिकल यानी लंबवत प्राप्त होगी। तो यहाँ एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आरएफ 10 करोड़ पर नॉर्थ पोल के लिए एक लंबकोणीय ध्रुवीय खमध्य यानी जो शिरोबिंदु यानी कि जेनिथल प्रोजेक्शन है उसकी रचना करनी है। इसमें गणना इतनी है, पृथ्वी के घटाए गए वर्ष का अर्ध व्यास या जो आर है वो 64 करोड़ में 10 करोड़ का भाग देंगे। कई साथी कहते हैं कि 64 करोड़ नहीं है, 63 करोड़ है, तो 63 करोड़ ले लीजिए। गणना की दृष्टि से इसको मैंने 64 करोड़ लिया है, तो इसका उत्तर आता है 6.4। तो अब इसका हम प्रक्षेप बनाते हैं। मैंने लंबाई के अकॉर्डिंग यानी जो 6.4 सेंटीमीटर है उसकी रेखा स्केल की सहायता से हमने खींच ली है और इसका नामांकन कर देते हैं। अंतराल के अकॉर्डिंग 15 डिग्री के कोण बना लेते हैं। मैंने इनको चिन्हित कर दिया है। अब एक 90 डिग्री के अकॉर्डिंग या 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने प्रकार को त्रिज्या यानी रेडियस अभी प्राप्त होती 6.4 खोल लिया है और एक वृत्तांश यानी एक क्वार्टर है उतना हमने चतुर्थांश बना दिया है। अब जो अंतराल दिया हुआ था 15 डिग्री उसके अकॉर्डिंग हम 15 डिग्री के अंतराल के जो कोण है वो बना देते हैं। मैंने कोण अंकित कर दिए, कोण बना लिए हैं और उनका नामांकन भी लगते हाथ कर दिया है। इस प्रकार आप भी कच्चा चित्र बनाते समय या आधार चित्र है वो बनाते समय कर लेवे। अब ओ ए रेखा के समांतर एक लाइन बनानी है एन बिंदु पर। इसके लिए आप क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टर है उसकी सहायता से 90 डिग्री का अंकन कर लेवे और साथ ही इस से आप कोण की रचना कर लेंगे। इसको मान लीजिए यह क्यू रेखा है, एन क्यू रेखा ओ ए के समांतर आपको रखनी है। जैसा कि प्रकाश का स्रोत अनंत बताया जा रहा है तो प्रकाश का स्रोत अनंत होने के कारण इसकी जो प्रकाश की किरणें वो लंबवत गिरेगी। तो मान लीजिए यहाँ अनंत प्रकाश का स्रोत है तो ए की छाया यहाँ गिरेगी, बी की छाया यहाँ गिरेगी, यानी ये लंबवत आएगी। लंबवत का मतलब वर्टिकल खड़ी लाइनें प्राप्त होगी जैसा कि अब आपको यहाँ बताया जाएगा। माना कि जो ओ है ओ एन के प्रकाश की स्रोत आएगी तो इस प्रकाश के स्रोत से जो प्रकाश किरण आएगी वो इसी के लंबवत आएगी वर्टिकल, इस प्रकार वो आपको प्राप्त होगी, ये लंबवत प्रकाश की किरणें प्राप्त होगी। अब ए बिंदु पर जो प्रकाश किरणें होगी वो इस प्रकार आपको प्राप्त होगी। कहाँ गिरेगी, इस जो एफ डैश पर गिरेगी। यहाँ एफ है, यहाँ देख पा रहे होंगे यहाँ एफ डैश पर यहाँ गिरेगी। इसी प्रकार ये जो दूसरी रेखा है ई पर जो आपतित होगी या गिरेगी वो एन क्यू रेखा है उस पर ई डैश पर प्राप्त होगी। यहाँ इस प्रकार हम सभी रेखाओं का अंकन है वो कर देते हैं। बहुत इजी तरीके से, कोई हार्ड नहीं है,
जो डी है वो डी डैश यहाँ प्राप्त हो जाएगी। सी वाली सी डैश रेखा एन के ऊपर इस प्रकार प्राप्त होगी। एक एक करके ये बी है, ये बी डैश अंकित कर देते हैं और लास्ट में ए वाली, ये लास्ट ए वाली भी यहाँ आपको अंकन कर देना है और इसको बोल्ड कर दीजिएगा क्योंकि ये आपको स्पष्ट या दिखाई दे यहाँ तक। इस प्रकार ये कच्चा चित्र या आधार चित्र हमें प्राप्त हो गया है। इसके आधार पर हम पक्का चित्र प्रक्षेप बनाएंगे। स्केल की सहायता से प्रक्षेप बनाने के लिए एक आप सीधी रेखा खींचिएगा और अब प्रकार को जो आधार चित्र की जो त्रिज्या थी यानी ओ ए दूरी है उतना आपको खोलना है जैसा कि मैंने खोल लिया है। अब इस जो प्रक्षेप की जो हमने लाइन बनाई थी उसके लिए एक जो सर्कल है उसका निर्माण हमें करना है। इस प्रकार एक सर्कल आपको ड्रा करना है। अब आपको पुनः आधार चित्र पर चलना है, प्रकार को खोलना है एन से एफ डैश तक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने प्रकार को एन से एफ डैश तक खोल लिया है। अब उस चित्र पर चलिए वापस और आपको इसमें ओ जो ये नॉर्थ पोल है जहाँ प्रकार रखा हुआ है उसकी सहायता से आपको एक सर्कल ड्रा करना है। इस प्रकार ये 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को इंगित करेगा क्योंकि नॉर्थ पोल है वो बिंदु के रूप में प्राप्त होगा क्योंकि इसमें जो एन ओ डैश है इसमें जो प्रकाश की किरण है वो एक सीधी लंबवत प्राप्त हुई थी, इससे कोई रेखा प्राप्त नहीं हो रही है इसलिए बिंदु के रूप में ये प्राप्त होगा। ये 75 डिग्री है। इसके अलावा हम 60 डिग्री के लिए प्रकार में एक चाप भरते हैं, इसलिए आधार चित्र में जाना पड़ेगा। आप देख पा रहे होंगे मैंने एन से ई डैश तक ई रेखा या 60 डिग्री वाले पर काट रही है। आप देख पा रहे होंगे 60 डिग्री पर काट रही है तो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश का निर्माण हम इस प्रक्षेप में करेंगे। आपके सामने ये अक्षांश वृत्त है मैं बना रहा हूँ 60 डिग्री के लिए। इस प्रकार आप 60 डिग्री का अक्षांश वृत्त बना लेंगे। अब 45 डिग्री अक्षांश वृत्त के लिए डी डैश एन डैश एंड एन से डी डैश के लिए आपको प्रकार खोलना है, चाप भरना है और वही प्रक्रिया अपनानी है 45 डिग्री अक्षांश वृत्त के निर्माण के लिए। इस प्रकार आप अक्षांश वृत्त बना देंगे आराम से। आधार चित्र में चलकर अब आपको 30 डिग्री के लिए चाप भरना है एन से सी डैश तक और आपको फिर पुनः वही प्रक्रिया पर अपनानी है या अक्षांश वृत्त है उसका निर्माण आपको इस प्रकार करना है 30 डिग्री के लिए। 15 डिग्री के लिए एन से जो बी डैश तक आपको प्रकार खोलना है मैंने खोल लिया है और प्रक्षेप में चलिए प्रकार को रखते हुए इस प्रकार आपको 15 डिग्री के लिए बनाना होगा। इस प्रकार इजीली बन जाएगा। ये 15 का बनाया था, ये बार वाला देख पा रहे होंगे ये इक्वेटर है भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश है। ये पहले 6.4 का हमने सर्वप्रथम बना लिया था तो इस प्रकार सभी अक्षांश वृत्त यानी अक्षांश रेखाएं हमने अंकित कर लिए। अब इसकी देशांतर रेखाओं का अंकन हम करेंगे क्योंकि अंतराल 15-15 डिग्री का था। अंतराल का निर्माण करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। ये जो एन है इस पर ये समकोण वाली मिला लीजिए और 15-15 का अंकन कर दीजिएगा। मैंने आपके सामने इनका अंकन इस प्रकार कर दिया है।
एक मैंने छोटा सा सर्कल बना दिया है, इसमें एन लिखेंगे, नहीं तो ये लाइनें बहुत सारी आ जाएगी इसलिए साफ नहीं होगा। तो आप छोटा सा सर्कल बना लें, अंतराल के अकॉर्डिंग आप ये देशांतर रेखाएं का अंकन प्रक्षेप में कीजिएगा। इस प्रकार आप आराम से इनका अंकन कीजिएगा। हार्ड नहीं है, बहुत सरल तरीके से आपको ये मैंने समझाया है, शायद आपके समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपको सभी लाइनें यानी देशांतर रेखाओं का अंकन करना है। अब इसका हम नामांकन कर देते हैं, 0 डिग्री, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 165 डिग्री और 180 डिग्री। इसी प्रकार दोनों तरफ 150 डिग्री, 165 डिग्री और इस तरफ से दोनों तरफ से ये 180 डिग्री पर मिल जाएगा। नीचे आरएफ लिख दिया है जितना गिवन था। इस्ट लिख दे, इस तरफ वेस्ट लिख दे और नीचे EQU, यहाँ इक्वेटर अंकित कर देवे क्योंकि लास्ट वाली है जो इक्वेटर है, और ये सेंट्रल मेरिडियन है 0 से 180 वाली। इस प्रकार प्रोजेक्शन तैयार हो गया। इसकी पहचान गुण और दोष मैं बता रहा हूं, उपयोग जो लास्ट में आपको दिखाई देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।